डिशेज और कैसे बनेंगे? ऊपर बैठ जाएंगे, हम मियां बन जाएंगे। ये अच्छा सवाल था कि कितनी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं हम रियल लाइफ में। तो रीम तो खाना उसको आता है, बेसिक थोड़ा बहुत तो बना लेती थी, मतलब लेती है, लेकिन मुझे वो बेसिक का भी आइडिया नहीं था। लेकिन आई मस्ट से, इनफैक्ट यू शुड से, कि जब से हमने शूट स्टार्ट किया है आई एम एबल टू कुक एंड आई एम नॉट लाइक दैट बिगिनर ऑल्सो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली फर्स्ट डे ऑल्सो बिकॉज हमने सोचा तो था कि हम यू नो शो से पहले प्रेप करेंगे, थोड़ा खाना वाना बना के देख लेंगे, बट बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव बीन बिजी तो हम वो बिल्कुल टाइम नहीं मिला हमें। एंड जब हम डे वन सेट पे आए थे, हमने जब खाना बनाया, मुझे लगा नहीं था दैट यू नो कि शी इज़ अ बिगिनर या फिर इसको कुछ भी नहीं आता है समथिंग, बिकॉज शी एज आई सेड शी इज़ अ फास्ट लर्नर। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि मुझे इतना पता नहीं चल रहा कि इसको खाना बिल्कुल नहीं पता आता। इनफैक्ट वी मेक अ गुड टीम, आई थिंक हमारा टीम वर्क अच्छा है। और जहाँ ओवरऑल शो की बात करें तो हमारा शो के लिए आई मस्ट से वन थिंग कि हम कहीं ना कहीं कम्पीट भी कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा बना रहा है, बट साथ ही साथ सबका स्पिरिट इतना अच्छा और पॉजिटिव है कि अगर किसी के पास कुछ सामान नहीं है या किसी को कुछ बनाने नहीं आ रहा है तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा अच्छा है तो हम उनको ना हेल्प करें या हम जीत जाएंगे। तो आई थिंक कि वो जो पार्ट है शो का वो बहुत स्वीट है, जो हमने सोचा नहीं था होगा। हमें लगा अरे नहीं है तो अब हम शायद हमारा नहीं हो पाएगा, बट एवरीबडी इज़ शेयरिंग, एवरीबडी इज़ सो हेल्पफुल, सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। वो तो वो आपको पता चलेगा, बट बस इतना ही करेंगे हम। एज आई सेड हम इतने भी बुरे कुक्स नहीं है, सो या वी आर प्रीटी डीसेंट। टाइम ही नहीं मिला, वही तो सबसे पहले बोला कि हम कोशिश चाहते थे कि हम ट्रेन हो जाए वगैरह, बट हमें टाइम ही नहीं मिला। एंड बाकी मुझे लगता है ये शो हमें ट्रेन कर रहा है फ्यूचर में अच्छा खाना बनाने के लिए। तो ये शो के बाद अगर आप में से किसी को हमसे ट्रेनिंग चाहिए होगी तो हम जरूर दे देंगे, बट हमें फिलहाल सिर्फ शो के दौरान ही ट्रेनिंग मिल रही है। देखिए अब वो डिपेंड करता है, हम आर्टिस्ट की जिंदगी स्टाम्प है ना, वो 5 मिनट के लिए बाहर आ जाओ ताकि पता चले कि मीडिया वाले कहाँ है और हमारे आर्टिस्ट का सब प्लीज बाहर आ जाओ 1-2 मिनट के लिए। हाँ सर, एज वी वर स्पीकिंग कि ये शो के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम रेस्टोरेंट खोलने लायक है या कि हम शेफ मटेरियल हैं कि नहीं। यस, बिकॉज फेवरेट स्ट्रीट फूड इज पानी पूरी, वो अभी तक नहीं बनाई ना। नहीं, वड़ा पाव आल्सो आई लाइक, आई लाइक मोमोज, वो हमको मैं बता नहीं सकती यार, आप लोग कैसे सवाल पूछ रहे हो, हमारे मुझसे निकला जा रहा है। हाँ, 1 जून को देखना ना शो, आपको पता चलेगा, बट हाँ अब तो मैंने बोल ही दिया, मोमोज मुझे पसंद है तो वो मुझे बनाने का मौका मिला, एंड उसमें मैं जीती या नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा। देखो जो फर्स्ट टाइम किया था वो यहाँ तो नहीं किया है, वो तो हमने ओब्वियसली घर पे किया था, बट वो फर्स्ट टाइम मुझे याद नहीं है, साथ में किया था कभी। हाँ, लेकिन हमारा जो साथ में फर्स्ट टाइम कुकिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, हम काफ़ी सैटिस्फाइड थे। इनफैक्ट बाकी लोगों ने हमें कहा कि सबसे कम उम्मीद उन्हें हमसे थी, क्योंकि सबको लगा था कि हम बिल्कुल भी नहीं काम करते होंगे, तो काफ़ी सारे लोग सरप्राइज थे और हम भी सरप्राइज थे अपने हमारे प्रदर्शन से। तो आई एम श्योर आप लोग भी हमें देख के सरप्राइज ही हो जाएंगे कि हमने खाना बना दिया। यही कहना चाहूँगी दैट इट्स अ फैमिली शो, एज आई सेड कि मैं वही कह रही थी कि आजकल यू नो ऐसे शोज़ बहुत कम बनते हैं जो एक फैमिली साथ ज़्यादा बैठ के देख सके। सो कलर्स हमेशा ऐसे शो लेकर आता है, सो अगेन वी आर बैक विद अ शो जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख पाएंगे, एंड जो कुकिंग जानते हैं और जो कुकिंग नहीं जानते वो लोग भी ये शो देखना बहुत ही इन्जॉय करेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच द शो फ्रॉम, अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती है तो ये शो में आपको इतनी हंसी आएगी कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट तो आपको मिल ही जाएगा। सो प्लीज़ गाइज, 1 जून से कलर्स पर 9:30 बजे शो आ रहा है हमारा लाफ्टर शेफ, प्लीज़ देखें। थैंक यू। देखिए टेलीविजन से जो मैंने ब्रेक लिया था वो पर्टिकुलरली टीवी शोज़ के लिए लिया था, जैसे आपको पता है कि मैंने खतरों के खिलाड़ी भी किया लास्ट ईयर, वो मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था,
वो भी कलर्स पर था, कलर्स से हमारा अलग नाता है, हम बचपन से कलर्स की बेटियाँ हैं। अब हम ये शो कर रहे हैं तो जो मेरा ब्रेक था वो अभी भी है, बट वो रियलिटी से नहीं है बट टीवी शो से है। थैंक यू।